हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि रोमन रेंस कब तक कैंसर से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, जब से मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस ने ये बात कही है कि उन्हें 11 साल पहले एक डिजीज हुई थी जिसका नाम है ल्यूकेमिया, जो एक टाइप का ब्लड कैंसर है, और वो डिजीज अब वापस आ चुकी है जिसके वजह से उन्हें WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन गाइस, रोमन रेंस ने ये बात साफ कर दी कि वो कैंसर को हरा कर WWE में जरूर वापसी करेंगे। बट गाइस, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो WWE में वापसी कब करेंगे। लेकिन गाइस, हाल ही में रोमन रेंस के डॉक्टर, जिनका नाम है जोसेफ, और गाइस मैं बता दूं, डॉक्टर जोसेफ ल्यूकेमिया के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने थोड़ी बहुत बातें रोमन रेंस की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताई है। गाइस, डॉक्टर जोसेफ ने कहा कि ल्यूकेमिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो रोमन रेंस की ल्यूकेमिया डिजीज के बारे में वो ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रोमन रेंस को ल्यूकेमिया किस टाइप की हुई है। सो गाइस, मैं बता दूं कि ल्यूकेमिया दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। सो गाइस, मैं बता दूं, डॉक्टर्स के हिसाब से एक्यूट ज्यादा डेंजरस होती है क्रॉनिक से। सो गाइस, डॉक्टर ने कहा अगर रोमन रेंस को क्रॉनिक होगी तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे एक्यूट के मुकाबले, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं कह सकते कि रोमन रेंस को एक्यूट हुई है या फिर क्रॉनिक। पर डॉक्टर ने ये चीज कही है कि इस डिजीज का इलाज केमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। गाइस, डॉक्टर ने ये भी कहा कि रोमन रेंस एक WWE सुपरस्टार है, इसलिए उनका चेकअप किसी नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं किया जाएगा, उन्हें पूरी फैसिलिटी मिलेगी और उनका चेकअप काफी अच्छे से किया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि रोमन रेंस एक रेसलर है और उनकी बॉडी काफी फिट है, जो उन्हें कैंसर से लड़ने में काफी मदद करने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस को 11 साल पहले भी कैंसर हो चुकी है, और उस टाइम रोमन रेंस काफी जल्दी कैंसर से उभर गए थे, लगभग उन्हें 1 से 2 साल लगे थे। और डॉक्टर्स ने कहा कि रोमन रेंस को लगभग उतना ही या फिर उससे भी कम टाइम लगने वाले हैं कैंसर से उभरने में। यानी कि गाइस, अगर एवरेज निकाला जाए तो रोमन रेंस को लगभग 1.5 साल लगने वाले हैं कैंसर से उभरने में। इसके अलावा गाइस, डॉक्टर ने ये भी कहा है कि रोमन रेंस को कैंसर से उभरने में पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी काफी मदद करने वाली है। सो गाइस, यही है वो बातें जो डॉक्टर जोसेफ ने कही है रोमन रेंस के बारे में। इसके अलावा गाइस, वीडियो को लाइक कर बता दीजिए कि हम सब रोमन रेंस को कैंसर से लड़ने में कितना सपोर्ट करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।